दर्शाता है कि वो नेतृत्व करने की क्षमता बिल्कुल रखते है। इसी बात को थोड़ा कंटिन्यूएशन में ले जाते हुए क्योंकि सिलसिला निकल ही पड़ा है। मनीष वोरा साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ सवाल को लेकर। हमारे पास भी आई। अगर हर स्ट्रैटेजी का जवाब, विपक्ष की हर स्ट्रैटेजी का जवाब नरेंद्र मोदी का चेहरा है तो ये बीजेपी के लिए तो प्लस पॉइंट है, लेकिन ऐसे तमाम जो सांसद हैं, विधायक हैं, तमाम जो नेता हैं, फिर तो लड़ना ही छोड़ दे, क्योंकि पता है करेंगे कुछ नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी उतर जाएंगे प्रचार में तो जीत मिल ही जाएगी। ऐसा नहीं है, मैं बोलूं? कैन आई स्पीक? सर वोरा साहब से पूछा सवाल, आपके पास आ रहा हूं। मुझसे सवाल पूछो। देखिए, सीधे तौर पर इस बात को समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति के तहत तो मोदी का चेहरा सामने किया। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा ब्रांड जो है वो हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी का चेहरा है, उसको उन्होंने आगे किया। ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थी कि हमको मोदी को सबसे आगे करना है। देखिए, सभी जगह उन्होंने, देखिए राजस्थान की हम बात करें, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें, सभी जगह उन्होंने जो उनके स्थानीय नेता थे, चाहे राजस्थान में वसुंधरा राजे हो, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान है, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी हो, ये सारे चेहरों को उन्होंने एक तरफ पीछे रखा और मोदी के चेहरे सीधे तौर पर सामने रखा। लेकिन जब उनको इस बात को समझ में आया कि हमको सीधे तौर पर मुगल मोदी का चेहरा सामने रख करके उतनी बड़ी सफलता नहीं मिल रही है, उन्होंने कहीं पर स्ट्रेटेजी को बदला और बदलने के बाद में जो है वो शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर रमन सिंह जी को भी सामने लेकर के आए, वहां से वसुंधरा राजे को भी सामने लेकर के आए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो रणनीति बदलने के बाद उनको यहाँ पर फायदा हुआ है। सीधे तौर पर ये एग्जिट पोल के जो आंकड़े बता रहे हैं वो इसको इशारा कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो भाजपा का है वो आज भी मोदी है, उसी चेहरे पर लेकर वो चुनाव लड़े। और देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज और ये है कि मोदी का विश्वसनीयता महिलाओं में बहुत ज्यादा है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की, अगर हम स्पेशली बात करें तो महाकाली बंधन योजना को यहाँ पर लेकर के आई, जिसमें प्रति साल उन्होंने 12,000 रुपए हर महिलाओं को देने की बात करी थी, तो उस योजना का फायदा सीधा सीधा तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिला, उसके साथ मोदी की गारंटी जुड़ी, तो ये दोनों चीजों को एक साथ कंबाइन होने से भाजपा को यहाँ पर बड़ा गेन मिला। जी जी, वत्स सर भी कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज। देखिए, अभी जो इन्होंने कहा कि कोई कुछ ना करे और मोदी जी के नाम पे जीत जाएगा, ऐसी बात नहीं है। 2024 में जिन एमपीज ने अपने इलाके में अपने लोगों की अवहेलना की है, या उन लोगों के, या तो उनके टिकट बदल दिए जाएंगे और नहीं तो वो हार जाएंगे। सही है। अब ये 14 और 19 वाला वेव नहीं है, अब कुछ काम भी करना होगा। और मोदी जी अगर गए हैं लोगों के पास, या एमपी में उन्होंने पासा पलट दिया है, या राजस्थान में उन्होंने पासा पलट दिया है, तो काम के बदौलत, जो काम वहां के लोगों को, अंतिम पायदान के लोगों को जो राहत मिली है, जो आज तक नेता सिर्फ बातें ही बनाते थे, राहत देने का काम नहीं करते थे, वो राहत जो मिली है वो बहुत बड़ा फैक्टर सर। लेकिन इसमें मैं एक और बात, सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, अगर वाकई योजनाओं ने इतनी राहत दी या काम ने इतना प्रभावित जनता को वहां पर किया है, तो फिर आखिरी वक्त पर नरेंद्र मोदी का तूफानी प्रचार, और ये तक कहा गया सियासी जानकारों की ओर से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह मंच से खुले तौर पर शिवराज सिंह चौहान का नाम लेने से या उनकी योजनाओं का जिक्र करने से बचे। देखिए, ये बात आपका कहना जायज है। शुरू में अभी आपके साथी कह रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान से लोग नाराज नहीं थे, मैं उनकी इस बात से थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता हूं। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत हाई था, और अगर हाई था तो सबसे ज्यादा हाई चीफ मिनिस्टर के नाम पे था। मामा जी लोग करते थे, लेकिन मामा जी के साथ थे नहीं। उस टाइड को अगर किसी ने टर्न किया है तो सिंगल हैंडेडली वन मैन आर्मी, वन मैन रोड रोल, दैट वॉज नरेंद्र मोदी एंड हिज करिश्मा। आज भी इसमें कोई शक नहीं है कि अक्रॉस द कंट्री अगर कोई एक कद्दावर नेता है जिसके पीछे भारत की जनता आंख मूंद के खड़ी हो जाती है, तो उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लोगों को उन पर विश्वास है, उनके कर्मों पर विश्वास है, उनके कार्यशैली पर विश्वास है। उन्होंने जिस तरीके से देश और विदेश में भारत का झंडा गाड़ा है, उस पर गर्व है, और उसके इसीलिए वो उनके साथ खड़े हैं। और उनके साथ जो भी, उस जहाज के साथ जो भी छोटी नैया जुड़ जाती है, उसका भी बेड़ा पार हो जाता है। ठीक ठीक ठीक
वन मैन आर्मी एक शब्द, निश्चय वाजपेयी भी जुड़े हुए हैं। वाजपेयी साहब आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन राणा सर 30 सेकंड में आपका कमेंट। वन मैन आर्मी की व्यवस्था डेमोक्रेटिक व्यवस्थाओं में क्या देखी जा सकती है, अगर हर काम एक ही व्यक्ति को करना है तो? राणा सर देखिए, ऐसा होता है कि वन मैन आर्मी की जब हम बात करते हैं तो आर्मी कौन होता है? आर्मी का कमांडेंट कौन होता है? सीओ होता है। जैसे आपके चैनल के कमांडेंट या कोई तो सीओ होंगे, वो स्ट्रेटजी बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूट आप लोग सब लोग करते हैं। न्यूज 18 की बात कर ले और आपका चेहरा ऐड कर ले तो वैल्यू ऐड हो जाता है ना। न्यूज 18 का अपना नाम है और आपका चेहरा है तो 1+1=2 हो जाता है। तो मैं बीजेपी जी, तो वही है कि अगर मान लीजिए कि मोदी जी कहीं भी जाकर के इन्फ्लुएंस करते, मैं आपको 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूं एग्जांपल के साथ। जो कर्नाटका के चुनाव हुए तो 2014 वाली दशा होने वाली थी, कम से कम उनके पास 30 से 32 सीट आती, लेकिन ये सुनामी ने सीट को इज्जत बचा ली, सीट को बढ़ा दिया। आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ के चुनाव, छत्तीसगढ़ में आपको क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में कुछ काम किया? हमें नहीं लगता, लेकिन आखिरी के 3 महीने में कार्यकर्ताओं में जो उत्साह आया है, जो काम करने की शैली आई है, कहीं ना कहीं जोश भरने का काम होता है नेता का, नेतृत्व का। डेमोक्रेसी पॉलिसी में हम लोग बोल सकते हैं कि एक वन मैन आर्मी है, लेकिन उसके लोग अंडर काम करते, हो सकता हो फेस बहुत बड़ा हो गया हो तो फेस वैल्यू बन जाती है, और कोई नहीं देश में विदेश में फेस वैल्यू है, लेकिन ऐसा नहीं कि इनके पास टीम नहीं है, लोग नहीं है जो काम कर रहे हैं, तो काम तो हो ही रहा है देश में। बिल्कुल, निश्चय वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाजपेयी जी